बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाए जा रहे हैं मिक्स वेज अचार। ये कैसे बनेगा, इसमें किन किन चीज़ें जाएंगी, आइए हम बताते हैं आपको। झटपट तैयार होने वाला मिक्स वेज अचार जी कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जाते हैं। हमने ये सब चीज़ें ली हैं, सब्ज़ियाँ। ये 500 ग्राम जो है फूल गोभी है, 500 ग्राम गाजर है, और 500 ग्राम मटर है, और तकरीबन गमार फली 500 ग्राम, और मिर्चें जो हैंगी 100 ग्राम के करीब मिर्चें ली हैं हरी वाली। इनको हमने अच्छे से साफ करके और काट लिया है। आइए बताते हैं इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे मिक्स वेज अचार में। मिक्स वेज अचार में जो मसाले डालेंगे वो इस तरह हैं। 6 टीस्पून हमारी राई है, 2 टीस्पून हमारी हल्दी है, और 3 टीस्पून जो है हमारा सौंफ है, 2-2 टीस्पून जो है हमारे अजवाइन और जीरा, कलौंजी जो है 2 टीस्पून है, और मेथी दाना 1 टीस्पून, ये अपने लाल मिर्च है कुटी हुई 2 टीस्पून, 4 डल्ली जो है ये लहसुन है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, और नमक जो है अब अपने स्वाद अनुसार लें जितना कम ज़्यादा खाते हो, और उसके साथ तेल लिया है हमने सरसों का 1 लीटर लिया है ये। अब हम बनाते हैं कैसे बनेगा हमारा ये मिक्स वेज अचार। राई और सौंफ को मोटा मोटा पीस लेंगे। जो हमने मिक्स वेज के लिए सब्ज़ी काट के रखी है इसको अच्छे से वॉश करेंगे, और उसके बाद हम इसमें एक स्टीम देंगे, इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको फिर थोड़ा सा सूखने रख देंगे ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। फिर आगे बताएंगे इंशाल्लाह फिर कैसे बनेगा ये मिक्स वेज अचार। ये मिक्स वेज की जो सब्ज़ियाँ हैं हमने इसको गैस पे ऊपर रख दिया है, देखो पानी, इसका पानी सुखा लेंगे, इसको एक स्टीम दे लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। एक स्टीम के बाद इसको फिर हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालें, जो अपन ने सब्जियाँ धोई हैं उसी के पानी में स्टीम हो जाएगी। ये देखें कितना खूबसूरत दिख रहा है मिक्स वेज अचार। अचार की सब्जी यही है। अब इसको हमने लाइट लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया है फुल फ्लेम पे। 5 मिनट हमने इनको स्टीम दे ली है, इसका पानी पूरा खुश्क हो गया है, इसको बंद कर देंगे। इसको उतार लेंगे हम, ठंडा होने रख देंगे ज़रा। किसी स्टेनर में ले लें, छन्नी में ले लें इसको, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है सब निथर जाएगा। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है सब्ज़ी, माशाल्लाह। ये अब हमने भगोने में वेज जितनी भी हमारी वेज है इसको हमने बॉईल करके रखा था, ये सब डाल दी हैं। अब इसमें राई डालेंगे हम कुटी हुई, लहसुन है ये कुटा हुआ, जीरा अजवाइन जाएगा इसमें, सौंफ जाएगी, ये सब चीज़ें कच्ची जाएंगी, ये कलौंजी और वो है मेथी दाल, कुटी हुई मिर्चें हैं लाल वाली। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल, ये डाला हमने पूरा 1 लीटर है ये पूरा जाएगा इसमें। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है ना, नींबू का रस जाएगा, 4 नींबू का रस, नहीं तो आप वाइट विनेगर डालें,
टू टेबल स्पून के हिसाब से वाइट विनेगर डाल दें। इससे क्या अचार सही प्रिजर्व हो पाएगा आपका, ख़राब नहीं होगा अचार। इसको अच्छी तरह मिला दें। तो ज़बरदस्त दिख रहा है अचार। इसमें हम अचार डालना है थोड़ा सा नींबू का, घर का बना हुआ अचार है ये नींबू का। ये इसलिए डालना है कि हमारा जो अचार हम बना रहे हैं मिक्स वेज वाला, ये ख़राब नहीं हो, ज़्यादा दिन तक चले। इसको अच्छे से मिला दें। हमने नींबू का रस नहीं डालते हुए नींबू का अचार ही डाल दिया इसमें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नींबू का रस डाल लें, नहीं तो विनेगर डाल दें थोड़ा सा। ये जो है अचार हम पूरा 1 किलो सब्जियां हैं उनका डाला है हमने, है ना। इसको प्रिजर्व करके रखना हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं इसमें, और नहीं तो फ्रिज में रखिए, आप जब भी खाना हो उससे आधे घंटे पहले निकालिए और खाइए। तेल फुल होना चाहिए, लेकिन तेल जो है सरसों का, ताकि ये अचार हमारा डूबा रहे, मिक्स वेज अचार तेल में डूबा रहे, इस बात का ध्यान रखें आप। इंशाल्लाह ये मिक्स वेज अचार को आप लोग ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ये हमारा घर का अचार है नींबू का, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलरफुल दिख रहा है। ये मीठा अचार भी डाला है नींबू का, इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मीठा अचार नींबू वाला। ये अचार जो है हमारा खाने को तैयार है, अभी जो बनाया हमने मिक्स वेज वाला, इसको बेहतरीन आप सर्व कर सकते हैं अभी इंशाल्लाह। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।